के करीबी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को ग्वालियर अचल में ग्वालियर के अंदर हिंदू महासभा उनका जन्मदिन और उनका उत्सव मनाती है तो इसका विरोध करते हैं हम। जन्मदिन और उनका उत्सव मनाती है तो इसका विरोध करते हैं हम। श्री अजय सिंह राहुल भैया को इसके लिए एक पत्र लिख के दिया है कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल करें और समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ, समाज के अंदर जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ जो भी चलाते हैं उनको, उनका जाँच करके उनको बैन। क्या भरोसा दिलाया उन्होंने? अभी उनको दिया है, उनने कहा देखेंगे इस पर विचार करेंगे। साहब जो आपने सुझाव दिया है अजय सिंह जी को, किस तरीके का सुझाव है? क्या देखिए, इतिहास के आईने में अगर अपन झांके तो कहीं ना कहीं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कराई गई थी और 1916 के लगभग हिंदू महासभा की स्थापना कराई थी, वो भी अंग्रेजों द्वारा कराई गई थी। और जब इतिहास के और ज़्यादा करीब जाएंगे आप वापस लौट के, तो कहीं ना कहीं 1937 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी गृह मंत्री रहे और उसके बाद उन्हीं के अनुयायियों में से एक सावरकर के करीबी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को ग्वालियर अचल में ग्वालियर के अंदर हिंदू महासभा उनका जन्मदिन और उनका उत्सव मनाती है तो इसका विरोध करते हैं हम। और विरोध करने के साथ साथ जो जिस प्रकार से कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात मैनिफेस्टो में दी गई है, उसी प्रकार से हिंदू महासभा को भी समाज के अंदर कुरीति, समाज के अंदर कहीं ना कहीं गलत मैसेज देने के लिए उनको बैन करने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं कि इनको भी हिंदू महासभा को कहीं ना कहीं बैन किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।